मॉर्निंग फ्रेंड्स की हाल चलो उम्मीद करो सारे बहुत वधिया होंगे इस ना करने जी नवे ब्लॉग की स्टार्टिंग सो जी जिमें कि तुम्हें पता आप सवेरे जाना राजस्थान सवेर तो होगी ऑलमोस्ट सवेर के अर्ली मॉर्निंग साढ़े बारह हो चुके हैं तो आप गाड़ी पार्किंग के अपनी बेसमेंट इतने समान कर रहे हैं सारा लोड क्योंकि सवेरे आप निकलना है अप्रोक्सीमेट 4 बजे घरों निकल जाना तो हूँ थोड़ा बहुत समान रह गया तो तुम उस तो बाद दिखाते हैं जी फाइनली 1.5 घंटे लग गए सू करते करते तो सारा समान कर लिया लोड तो हूँ उपर जा रहे हैं उपर जाके है डिनर करना है तो सवेरे फिर निकलना है देखते हैं कि शड्यूल होंगे कि सवेरे नाल जा रहे हैं मेरे वे भाजी मैं टेंशन नहीं है चलो गड्डी वो ड्राइव वगैरह कर लेंगे जे वो उन्होंने नहीं देगी तो मैं कर लाँगा तो एक टीम मैंबर जा रहे मैडम काका देख लो हले तक सुता नहीं है मेरी वेट कर रहा तो आपके साथ सौंगा और इन कुछ नहीं सवेरे उठना मैं जाना भी जल्दी है ते पिछो उठ के रोएगा मनु पता है गया ये। क्या उतर क्या बनाया था काके के 6 बजी है अरको काका के 6 बजी है ए हरी हरकत है भी आप दरवाजे छत दबाए ने नाले दरवाजे पे नहीं हां क्या खेलते खेलते गिर गया था तू क्या खेल रहा था वो वाला ऐसे क्या टिकट हां टिकट खेलता है पीछे अपने ब्लॉग चल रहे थे ब्लॉग देख रहे ना साडा अपना सेरा वो अपने ब्लॉग देख रहे इधर उधर ये काके किसका ब्लॉग है आपका तभी तो कर मेरा ब्लॉग है सब तो प्यारा बेबी मेरा तो भाई एक ही कर सॉरी जुड़े ना मना करता मैं तो गलती ना लग गया इधर जिम्स आते हैं हां इधर पाई भी नहीं करनी यहां पे जिम्स आते हैं ठीक है इधर भी इधर तो कर सकता पाई मेरे पाई कर इधर कर दे इधर नहीं करनी कहता है यहाँ पे नहीं करनी यहाँ पे जर्म्स ट्रांसफर होते हैं दूसरे के अच्छा बच्चे मेरा सबसे प्यारा बच्चा है मेरा सबसे प्यारा बच्चा पर बात लो करिए तुम सबसे कर दो सबसे मेरा प्यारा बच्चा इधर देखो ये फिर देख अच्छा बच्चा भी कह रहा हूँ तो ये क्या डाल रहा है ये गंदे बच्चे का काम मैं अभी ना पापा को बताऊंगा पापा को ब्लॉग देखेंगे ना फिर पापा तुझे मारेंगे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स की हाल चाल उम्मीद का सारे बहुत वधिया होंगे इस ना कर रहे हैं जी नवे दिन की शुरुआत सो राती तैयारियां करने तो मैं सूता तो है नहीं क्यों मैं ऑलमोस्ट 2 बज गए थे कि मैं फिर मैं 3 बजे उठ के अपना शावर वगैरह लता तो रेडी हो गया तो टाइम हूँ हो चुका है 3:30 तो हूँ आप निकलन लगे हैं जी राजस्थान लिए माहौली तामोर काका पिछले सुता है काके ने रौला पाना फिर उठ जाना फिर तंग करना कि मैं भी जाना है सो जी हूँ आप निकलन लगे घरों की बस ब्रेकफास्ट मैं पैक करा लिया मैं चल ढाबे तो सवेरे सवेरे मेरे तो रोटी नहीं खाऊंगे तंदूरी उगली तो मैं इस करके घरों परौंठिया बना लिया मिसी परौंठिया अचार रख लिया ना सफर च मज़ा भी बहुत आता है सो जी निकलते हैं जी सो सारा समान लोड कर चुके से राती तो थोड़ा बहुत रह गया से जो फोन करता है तो उन्होंने 10-15 मिनट लग गए तो आप निकल चुके हैं जी पहुंचने एंटर कर लगे चंडीगढ़ चंडीगढ़ तो पहले मुंडे को पिक करना अपने टीम के फिर उस तो बाद संदीप भाजी है मेरे कजन है तो उन्होंने पिक करना है तो उन्होंने जावगा क्योंकि चलो मैं ये है कि वह थोड़ा मैं ट्रैवलिंग से सौखा हो जाऊगा भाई क्यों 8 घंटे सफर है मैं काम भी करना जाके रेस्ट में सारा रात सुता भी नहीं मैंने पता नींद आऊगी तो मैं चल भाई वैसे मैं भाई तुम भी चल पे ना घूम आए हो तो संदीप भाजी चल पड़ेंगे नाल तो उन्होंने तो पहली गल फोन नहीं चेक तुम इसने उठाया उन्होंने तो वो कहने मैं नहा रहा चलो तो वो हो रहे रेडी तो आप ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले मुंडे चुका टीम दिन फिर उस तो बाद 15 मिनट बाइन में लगन गया पहुंचने खरड़ उस तो बाद राजस्थान निकल जाएंगे टीम की वेट कर रहे हैं जी 15 मिनट हो गए बारकड़ा इन कहना बूट पा के आ रहे हैं जी हाले तक नहीं आया हो गया तैयार आ गया उससे पहले तो मैंने फोन कर दिया था जी। अब क्या करके है बच्चे अकैडमी वाले फुटबॉल अकैडमी वाले चले टाइम 4:51 चल नींद तुरने फिर लगता पिक कर लिया जी सत श्री अकाल कर दो साडे ग्रुप ब्लॉग से तुहाडा स्वागत है ये संदीप भाई दी बंगलो तो संदीप भाई का साथी कि अंदर नीचे आ गए घुमा लिया चलिए हूं चलो कमांड देती है मैं संदीप भाई नूं संदीप भाई चला रहे हैं कार ते दफा करांगे नींद पूरी थोड़ी जी ते भाई ने लाता सिगरेट ते नींद वैसे आई नहीं है
ਸੰਦੀਪ ਭਾਈ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਅਚਾਰ, ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੋਸ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਕਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 10 ਵਜੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਭਾਅ ਜੀ ਲੈਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਦ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 7.5 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਸੀ 1:45 ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ, ਚਲਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰੇਟਾ, ਕਰੇਟਾ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦੀ ਸੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਚ ਪੂਰੇ। ਹੋਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ, ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਟੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ। ਭਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੀ ਸਮਝ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਇਸ ਲਈ ਜਮਾ ਕਰੇਂਗੇ ਵਹਾਂ ਪੇ। ਦਿੱਕਤ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮ ਜਹਾਂ ਪੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਾ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਲੰਬੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਟਾਪ ਟਾਪ ਕਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜਾ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਬ ਜਬ ਯਹਾਂ ਸੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾਰ ਕਰੋਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ, ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਫਾਟਕ, ਜੈਸੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੇ ਸੇਬ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਤੇ ਨਾ, ਸੇਬ ਤੋ ਯਹੀਂ ਫਰਤੇ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਰਕਰ ਜਾਤੇ ਨਾ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਤੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੇਂ ਸੇਬ ਥੋੜਾ ਉਗਤੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜਾਣਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇਖਣਾ? ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਦਿਖਾਓਗੇ ਨੂੰ ਆਪ ਰਸਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਭਾਗ ਮਾ ਜਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭਾਗ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਪੱਕੀ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੈਂਟ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤਾਈ ਹੈ, ਉਰੇ ਸਟਿਕਨੈਸ ਕਾਫੀ, ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪਾ ਤੋਪਾ ਟੈਂਕ ਟੁੰਕ ਜੇ ਖੜੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਲੈਣ, ਉਰੇ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏ ਜਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ,
45 स्पीड तो ऊपर नहीं जा सकते। ये भी मैं चोरी चोरी वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल मना हो रहे वीडियो मैं बना के डीट फोल्डर से पता नहीं, बाद कवर करेंगे। मैं थोड़ा व्लॉग बना लिए ट्राई करा, जो बनता है जो नहीं बनता मैं जबरदस्ती नहीं करा कि बनावा, क्योंकि स्टिकनेस है तो सू रूल फॉलो करने चाहिए जी। जी अपना रूम जिते सू रेस्ट करने को मिले जी, ये है ऑफिस ऑफिसर मैस है उत्तर मिले, तो यह है जी जिते पार्टी है लॉन है, बार वीडियो कवरेज बना रहे चुप गए भरावा डराओ ना तो कैमरा लगे कैमरा लगे। साढ़े लिए आया रोज़ा बनवाया मैम ने स्पेशल वधिया बनाया ना, गर्मी भाजी ये चीज़ मिलती कि घंट होती छबील वगैरह ये चीज़ वगैरह बनाया भी प्रॉपर घंट बनाया ना रोज़ा पी के हटे लड़े चाह ठंडा गर्मी सी करता इन्होंने इधर लगे पूंड आशिक यार जिन्ने आप भाजी अपने को जिन्ने मुंडे काम करते सारे आशिक हैं यार, पता नहीं इसलिए काम घट गल करते हैं यार, ये तो बहुत बड़ा आशिक है। सीक्रेट गल कर रहे गल ना सुनिए दी लव कुछ मजनू मान तारन लगे लाउन दे विच हौली हौली करिए डेकोरेशन स्टार्ट, धुप कटो जी बैलून फुलाने करते हैं जी स्टार्ट, डेकोरेशन हो गया जी स्टार्ट अपनी। सो जी असं आ गए हैं जी लंच करन जी ऑफिसर मिस इन्हें बार एरी है पूल टेबल का लगे हुआ ट्रॉफीस वगैरह पई हुई हैं। तो जी आ गया जी अपना लंच ते होर तो कुछ दिखाने दस जाइए दिखा सकता खाने पीने ब्लॉग के बाकी सब कुछ बहुत घट चांस दिखाने ट्राई कर रहे हैं जी आप दिखाने। फ्लैक्स हो गई है जी इधर रेडी तो अज हैगी जी कोको मिलन थीम डेकोरेशन हो गई है जी रेडी तो आप भी हो गए जी रेडी आओ तुम सारी पूरी डेकोरेशन दिखाने जी सारी देखिए सारी तो उरे चल रहे बेबी का फोटोशूट, बेबी का नाम लिखा है ड्रेस पे आ गया जी आप बंब की कह रहे कोल्ड फायर की कर लिए तैयारी अब कोल्ड फायर करने इन्होंने एंट्री के तीन संदीप भाजी कर रहे हैं जी सारी ट्रेनिंग लै रहे मेरे तो कह रहे किमें होता है ना कर कुछ होर कर गल कहते रिमोट भी है सिस्टम भी है कुछ होर गल कर मैं जिते बैठे हो ना अगर गल भी ना करो भरावा और बिना कहीं भी उड़ा के लेना तुम इन्होंने कोल्ड फायर लाते हैं जी तो वेट है सिर्फ डॉटर ते फादर दी ते अंदर चल रही है जी पार्टी फायर हो गया तो हूँ आप पी रहे हैं कॉफी फिर जो है कोल्ड फायर कर केक कटिंग ते खिलाओ थोड़ा जहाँ जी खड़े करे उन्हें नाले हाँ खड़े करे भाई हाँ जी भाई सामने देखिए भाई हेलो आ गया
ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ सारा कुछ हो चुका जी उरे बोनफायर वगैरह आप करते आप हो गए फ्री तो हम आप आए रूम च रेस्ट कर कुछ खाने मंगाया कुछ खाने पीते हैं फिर उस तो बाद पैकअप करा मैंडअप करके तो निकल जाऊँगा चंडीगढ़ सवेरे दो तीन मीटिंग है जी कल उस तो बाद परसों फिर ईवेंट है परसों दो ईवेंट है वाइंडअप कर लग गया स्टार्ट पार्टी हो गया जी ऑलमोस्ट खत्म ड्रीम मेकर्स मेरी बेटी का बर्थडे सेगा 10th मंथ मैं बर्थडे अपनी बेटी का सेलिब्रेट कर रही थी सो मैं बहुत ज़्यादा वरिड सी कि मैं किद्दां करके और डेकोरेशन करा तो मैं बहुत बढ़िया वाली डेकोरेशन चाहिए सी मतलब कि जिदा आप पिक्चर्स देखी दा बेसिकली पिन इंटरस्ट जिदा आप देखी दया ने सो मैं बहुत सर्च कर रही थी मेरे जिन्हें भी लोकल से मैं सबनों देखा कॉन्टैक्ट किया बट नो सो मैं इदा ही यूट्यूब ते इंस्टा ते स्क्रॉल कर रही सी ते फिर मैंने इन्हों दा पेज मिलिया कि पेज दा नाम ड्रीम मेकर्स राइट सो वाकई ही मतलब जेड़ा थोड़ा ड्रीम आ पूरा करते ने है मतलब मैं इन्नी ज़्यादा टेंशन सी इन्नी ज़्यादा वरिड सी कि किद्दां दा होगा किद्दां दा नहीं होगा मतलब जिन्ना मैं सोचा सीगा ओदे नालों कई गुना ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਭ ਜਾਣੇ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਇੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ मैं थोनों सारे नो सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ड्रीम मेकर्स को ले अपने जिन्हें भी थोड़े ड्रीम्स ने वो लेके आओ ये पूरा करेंगे 100% मेरी गारंटी आ सो मैं राजस्थान दे वैचे हाँ सो ये पंचकुला जीरकपुर रहते ने उतों ही स्पेशली राजस्थान आए ने एंड जेड़ा मैंने इन्होंने टाइम दिता सीगा वो टाइम तो पहला पहुँचे ने मेरे को ले सो ओवरऑल थम्स अप ऑल द बेस्ट guys matlab too good thank you. And I really mean this matlab specially mainu is gal ki jehda mere aa cheez honi chahidi aa matlab waqai jehda tusi company da naam rakhya hai na dream makers tusi waqai unna de dream make karde ho so sara pickup ho chuka ji wind up ho gaya hun niklan lagiyan chandigarh li chaliye chalo ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਵਾਈਂਡ ਕਲਾਈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋ ਦਮੀ ਇਹ ਫਾਟੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਭਾਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲ ਫਾਟੇ ਗਏ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾ ਨਾਕਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾਕਾ ਬੰਦ ਤੋ अब नाक बंदा नहीं यार ये वाला नहीं है वो नाक बंदा है चौथा चौथी बारी आएगा नाक ये वाला नाक बंदा है ये वाला नहीं है भाई ये नाटक ना उधर बोल्डर खड़े थे आगे क्या खड़े थे बोल्डर वो क्या होता है हां वो क्या होता है पत्थर बड़े बड़े इसमें तो रोड बनी है ये तो कुछ पक्की बात है हां पक्की नहीं है वो भरावा सारी मीटिंग है इन्होंने मैंने आज मीटिंग और करनी पड़े फोन पे रोटी खान क्योंकि आप डिनर करके निकले नहीं डिनर सही नहीं बेसिकली स्नैक्स स्नैक्स हम भुख लगी हुई है भाजी भुख लगी भाजी आइसक्रीम लगे भाई आइसक्रीम लगे तो इन सब ने करे हैं जी अपने अपने परौंठे तो आप करे सैंडविच तो यार कोल्ड ड्रिंक कच वाले ग्लास जो जो कच वाली बोतल से पीने का स्वाद है ना किसी भी नहीं है जिन्हें मर्जी हो प्लास्टिक वाली हो तो स्वाद कच वाली ना स्वाद कच वाली का ही है क्यों भाजी सही कहना मैं कि नहीं यस सो गाइज फाइनली घर पहुँच चुके हैं जी घर के कोल पहुँच गए ऑलमोस्ट सवेरे 4 बजे जर्नी स्टार्ट की सी कल तो हूँ 6:20 हो चुके हैं जी संदीप भाई ने कैब करती सी ते मुंडे नु भी करती सी कैब वो भी लग लगा दोनों कैब पहुंचने वाले घरे ते मैं भी पहुंचने वाला जी हुण सारा वाइंड अप समान सारा रखांगे
उस तो बाद उपर जाके नींद आई है, सो जाएंगे। कल भी काम कर रहे हैं। जो तो इसी नाल करते वीडियो की एंडिंग। जो लाइकेशन अच्छी लगी लाइक सबसक्राइब कमेंट कर दिए, वो शेयर कर दो चैनल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।